वेलकम टू हैदराबादी फूड अप। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन तहारी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही क्विकली रेडी होती है और टेस्टी बनती है। इसके लिए यहाँ पर टमाटर कट कर लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं और इसे स्लाइस कर लिया है। हड्डी का गोश्त लिया है, इसे हम पहले मैरिनेट करेंगे। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी आपकी तहारी बनेगी। इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ये मैं 800 ग्राम राइस की रेसिपी आपको बता रही हूँ। और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इन सब बेसिक मसालों को पहले गोश्त में अच्छे से मिला लो। मिर्ची अच्छे से गोश्त को हमने ऐड कर दिया है, इसे में हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब। आप दही लें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मसाला अच्छे से हमने दही और गोश्त मिक्स कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। देखिए कुकर रख दिया है मैंने गैस पे और इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज हमने ऐड कर दी है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आप अच्छा ऐड करें 6 टेबलस्पून के करीब और प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो रही है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन। मटन को ऐड करने के बाद आप 1 मिनट के लिए अच्छे से प्याज के साथ भून लें, जिससे आपकी तहारी का फ्लेवर डबल होगा। याद रहे गरम मसाला और हरा मसाला हम अभी नहीं ऐड करेंगे। बस इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। हमने हाई फ्लेम पे पकाया है, अब इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट्स के लिए पकाएंगे और फिर लो फ्लेम पे। चलिए इसे कवर करते हैं। ये देखिए दम हो गई है हमारी मटन तहारी। चलिए इसे डिश आउट करके आपको बताएंगे। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी टेस्टी इजी हैदराबादी मटन तहारी, एकदम परफेक्ट। चावल भी एकदम खिला खिला बना है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें तहारी की रेसिपी। साथ ही हमने बनाई है रायता, इसके साथ दही की चटनी, थोड़ा सा कुकुम्बर ऐड किया है फ्लेवर के लिए।
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।